वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया हो गए और बढ़िया रहने चाहिए। बढ़िया हो गए तो मेरा ब्लॉग देखो हो। और भाई सुबह सुबह का टाइम है, आज तारीख हो गई है 14 सितंबर, यानी आप सभी को नेशनल हिंदी डे यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है तो आज भी राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो आप सभी को उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई बुधवार का टाइम, बुधवार है आज और सुबह सुबह के 8 बज चुके हैं और देखो काम मोस्टली हो गया है। रसोई का रहता है वो, देखो जी मेरा रसोई का रह रहा, अभी रोटी बनानी रह रही है, एक बार तो बना दी, एक बार और रह रही है बनाऊंगी। और रसोई का झाड़ू पोछा रह रहा है, आड़े का मन्नर से आना कर दिया, नीचे का ही छोरी कर आई थी क्योंकि भी आज से स्कूल नहीं गई, उसका पेपर है कल का, और सब जिसने जाना था जा जूली है स्कूल का। और मैंने लगा दिया सुबह सुबह मशीन, बुधवार है आज। और वेनू को अगर रोज मशीन लाए रहे, अभी रोज लग गए मेरे, क्योंकि बड़ा कुनबा है, हम 8-9 आदमी हैं तो भी हो जा है। सोमवार ने भी धोया करूँ, बुधवार ने भी धोया करूँ और शनिवार ने धोया करूँ, 3 दिन लगते धोया करूँ, तो इतने सारे हो जाए। देखो एक भर के गेट भी रखे हैं और एक भर के ये पड़े भी हैं और हो जाएंगे, कदा कर देंगे तो भी बड़े कुनबे में हो जा है इतना सारा मतलब कपड़े। और दूसरी बात मेरी में यह कमी है कि मैं ज़्यादा कपड़े इकट्ठे नहीं कर सकती, ज़्यादा हो जाए तो मेरे माइंड में नहीं घूमे जा है, हो इतने सारे कपड़े हो रहे, इतने हो रहे हैं, दिमाग में टेंशन बन गया है, बीपी आई ओन हो रहा है, अभी इतने सारे कपड़े रह रहे हैं। और वही मौसम आज हो रहा है बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल हवा चल रही है, बिल्कुल बादल गुदड़ हो रहे हैं, मतलब बरसात का मौसम हो रहा है, धूप तो बिल्कुल नहीं है आज, बिल्कुल ठंडा मौसम है। देखो इतनी मस्त हवा चल रही है, अभी मेरी रोटी बनाई जा रही है, दूध दूंगी एक जी करा उपराग बाल उसने, यहाँ ठंडा मौसम है, एक जी करा इतनी बार माग चालू होगी, इतनी बार मैं गैस पर गाल लूँ, 5-7 थोड़ी सी तो रोटी गल लेंगी, बरसात साथ दूंगी मैं कपड़े। चलो भी जो चैनल पर नहीं आ जाए वो कर जाओ सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर जाओ, शेयर कर जाओ, कमेंट कर दिया करो, बता करो भी ब्लॉग कैसा लगा और पूरा देखा करो भी, स्किप मत किया करो बिल्कुल भी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और भाई अब टाइम हो रहा है 3:15 का, बच्चे आ गए थे स्कूल में, तो खाना खुना दे दिया हम ताई सो गए भी। और मैंने आज कपड़े धोए थे प्रेस कर दी, पर भाई बुखार हो रहा बहुत तेज और लौटा जाता नहीं बिल्कुल भी। अब मन चाय बनाई, मेरी माँ कहो थी चाय मैं बना दी, पर मेरे तो लौटा नहीं जाता एक मिनट भी, थोड़ी देर लौटी थी उसमें सो गया बस बहुत, फिर मैं उठ कर चाय खा मैं बनाऊंगी, माँ बुखार नहीं लौटा जाता कभी भी। फिलहाल बुखार हो रहा है, शाम में लाऊंगी दवाई। राहुल सो गया है ही, और इस टाइम वो डॉक्टर भी ना पावे तो शाम में लाऊंगी 5 बजे से। मेरा खांसी हुई थी, खांसी होने तो ही मैंने फिर अभी मेरा बस उस तरह मेरे जो है ना एलर्जी है, और एलर्जी के उस तरह बुखार चढ़ गया, खांसी हो गई और फिर बुखार हो गया। आज सुबह का ही शाम में हुआ था, सुबह का ही सोल ही कर दे इन्हें, हाँ घेर दे, कल तो धूम को ना शनिवार ने धूंगे फिर, बुखार हो गया आज मेरा। कल खांसी थे जबरदस्ती, वो बताऊं तो थी हलवा खाया था, खाया भी कोई हलवा ना मत खाओ, कनक था दे खाए थे, वो कढ़ाई साफ करनी और कढ़ी छिकनी थी, मैंने वाह पुलिस को करी थी और उस समय मेरा खांसी होगी और फिर मेरा चिकना बंद है और वो खांसी थी जबरदस्त होगी, राज बस बुखार हो गया। हाँ मेरे तो घी उठा, मैं खाया ही नहीं कभी इतना, तो देखो भी दवाई लेकर आऊँगी फिर देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। जब हम रोटी खाओ थी जब तुमने रोटी को नहीं बढ़िया लगी देखे, देखी अपने दीदी रोटी बना रखी है, और ये पूरी फूल की थी, जितनी भी 4-5 रोटी पड़ी, 4 या और एक या छोटी सी, 4 रोटी खा लेगी तू, 4.5 हाँ ये 4 फूल, तगड़ी डाइट है तेरी तो। घी खा के तू बहुत राजी रहा है,
घी खा के कौन राजी ना रहे। मम्मी ने ना खा लेने घी का वो था के दादी ने हलवा बनाया होगा उसका वो खांसी जुकाम आज बुखार हो गया घी चाटे से बता। अच्छे अच्छे की हालत खराब कर देगी। तेरी भी हुई रे मेरी भी हुई रे दिख है वो तो मैंने जब मम रोटी खाओ थे जब इसे ने बाई को नहीं बोली मैंने भूख ना लग रही मन्ने को नहीं खानी रोटी पूछी थी इससे एक रोटी खा ले एक रोटी खा ले मामी ने कही थी जब अंतर दिवन तर लगान का पसंद ना आए तो ही मैं उस आलू की चटनी बनाऊंगी। देख रात ना डोंडरे करेगी बिया इसे तो बढ़िया मैगी नहीं बना लेती। क्यों मैगी तो तुम भी खाओ ये मैगी रह बिना रही रह रही है नीचे तो रही है वो दिग्गी और के मम भी अब फिर एक ही खाना चाहे तू चार चार साढ़े चार रोटी चूज कर रहा है खाओगी ना जीवी लखा थी बिचारी ना गुड्डू आज बेबे कई दिन हो गया आज मैगी बना दी है सिस्टर इतना काम कर चढ़ा मैं बनाऊं टाइम ना मना ये देख चार रोटी सेक साग कई बिस्कुट चटनी बनाओगी फुल डोंडरे करेगी इन्हें कह मैं जरा टाइम को जुट्टी के देगी जा मम्मी बोला जा कुछ नहीं है बस देख लिया सुबह की सब्जी आलू के परांठे बना दिया रहे दो इन सब्जियां ने तो आप बनाओ तो एक मेरा बना दियो खा ले नहीं आ रहा या उन तो रोटी खा के ना जाया कर आलू के परांठे बनाई जब या चरक के जागी है कोई नहीं बेबे कोई नहीं डेली जो रोज खा के जानती है ये ना तू ताके खाइए कोली जी मैं देखती है मामी साढ़े चार रोटी खा ली बना दी खुशी है या इन्हें बेई है मामी दुबारे चुनिया खुशी है इतनी भी ना होगा चुन बेचूंगी ना बार ना ना होगा बहन बदाम दे देना मैं नहीं मैं ना भी हूँ मामी देखी कि बकवास करेगा इस समय न्यू कहीं आ जाए ना कई दिन हो गए बेवा हाँ बेवा हाँ सॉरी मैं बदाम देंगी खाली लड़की ने इसने कोई काम नहीं है थप्पड़ मारूंगी तो रे उधर की एक एक टूट दिखा दी बंद कर इसे जुकर तू मेरे पे खाती है जूम करा कर नहीं मैं तेरे पे करूंगी आज दिखा दे मैं चटनी बनाऊंगी ना काम करती ना काम करती काम करती ना दिखाई आपने कहा मैं दूंगी जी मुमन ने बनाई ना तेरे दाई ये ना करे कुछ मैं दूंगी तेरे रोटी क्या रोटी तो खवा दी और फिर जेके भाई काम तो है कुछ कर दी नीव देख बताऊंगी ऐसे साढ़े पांच बजे सोई थी साढ़े पांच बजे सोई थी सात बजे उठाई हमने यार अनु कहे फिर मैं सोती को नहीं बस